मेहमान संग संग बैठे कुल श्रीमान कला प्रेमी आप मेहरबान। था तो हास्यरस कवि सम्मेलन, मैंने विजय जी से विनती की थी कि मैं सिर्फ व्यंग लिखता हूँ, वो बोलेगा अगर व्यंग अच्छा हो तो वो भी चलेगा। सो एक बात डाबर साहब ने और छुपाई, मेरी है उससे रुसवाई, कि मैंने जब भी लिखा है मेरा तखल्लुस है गंवार। वो शर्मा गए, इसलिए उन्होंने बजाज लिखा, गंवार नहीं लिखा। मैं नहीं शर्माता। शुरू करता हूँ। हंसराज गुप्ता का चेला हूँ, कृष्ण डाबर के संखेला हूँ, डॉक्टर सेवक का अलबेला हूँ, आपके शहर का खाक सार हूँ, दोस्तों मैं कृष्ण गंवार। टीवी में एक प्रोग्राम आता है आपके अदालत, रजत शर्मा जी सवाल करते हैं और उनके मुख्य मेहमान होते हैं और जवाब देते हैं। मैंने भी अपनी तरफ से एक आपके अदालत लिखी है जिसमें व्यंग हैं। उम्मीद है कि आपके वक्त की पूरी कीमत दे चुका पाऊंगा। कल रात मुझे और मेरी बेगम को प्रोग्राम आपकी अदालत में बुलाया गया, किया गया पूरा अदब मेरा और मुझे मुख्य मेहमान बनाया गया। मेरे सामने आवाम बैठे थे, उनमें कुछ पत्रकार थे, कुछ कॉलेज स्टूडेंट थे, कुछ लेक्चरार थे, भैया सब के सब समझदार थे, अगर उनमें गंवार थे तो हम ही गंवार थे। ये लोग मुझसे क्या पूछेंगे? मैं अपनी सोच के पीछे भागा, तभी मेरे शहर के मशहूर पत्रकार जसविंदर सिंह दर्द ने सवाल दागा। गंवार साहब, अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप देश के लिए क्या कर्म कमाएंगे? क्या भ्रष्टाचार मिटा पाएंगे या दूसरों की तरह हमें अंगूठा दिखाएंगे? मैंने कहा भैया ना रहे तुम्हारे दिल में कुछ शक, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सरदार मनमोहन सिंह जी तक सबको अपनी उंगलियों पे गिन लो, जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे उसे चुन लो। अरे सभी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ है, उनका कोई ना कोई मंत्री गद्दार हुआ है, कहीं ना कहीं होता रहा है घोटाले पर घोटाला, जैसे ये निकाल रहे हो देश का दिवाला। बुद्धिजीवियों ने कहा है, मैंने भी कानों से सुना है, क्या वतन की जमीन ही वतन की जान होती है और ये जमीन तो किसान की मां होती है, विकास के नाम पर उन लोगों ने ये जमीन छीनी है, बिल्डरों को बेचा है, क्या हरकत की कमी नहीं? आज भी जब सभापति सदन चलाता है, तो विपक्ष में बैठा हुआ अकेला अकेला लीडर चीखता है, चिल्लाता है, सत्ता पक्ष के एक नहीं दस दस घोटाले बताता है, लेकिन कोई जवाब नहीं, सब शोर में डूब जाता। देश के सब भ्रष्टाचारी एक ही थैली के चट्टे बट्टे, और जिस लीडर के हाथ कुछ नहीं लगा वो कहता अंगूर खट्टे।
मैं भी अपने मंत्रियों को भ्रष्टाचारी होने से नहीं रोक पाऊंगा। हाँ, इतना वादा करता हूं कि हर भारतीय परिवार को उसका बनता हक दिलवाऊंगा। जसविंदर जी ने फिर मुंह खोला, थोड़ा तलखी से बोला, गंवार साहब, आप तो हमें बातों के मकड़ जाल में फंसा रहे हैं, असली सवाल पर नहीं आ रहे हैं। शायद उस वक्त आपका कहीं और ख्याल था। हमारा सवाल था कि अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप देश के लिए क्या कर्म कमाएंगे, क्या हमें खोलकर बताएंगे। काबले गौर जी, मैंने कहा भैया, जब हम देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे और फर्ज की कुर्सी पर तन जाएंगे तो जाते ही सदन में पहले ये प्रस्ताव पास कराएंगे कि हर भारतीय परिवार को शमशान और कब्रिस्तान में 3/6 का एक एक टुकड़ा फ्री अलाट करवाएंगे। क्योंकि जब मेरे मंत्रीगण ये पूरा वतन बेच खाएंगे, हमें यह फिक्र नहीं सतानी चाहिए ना कि अब हम अपने बुजुर्गों को कहां जलाएंगे। शायद और भी होते कोई सुना सुनाई। तभी एक कॉलेज स्टूडेंट की आवाज आई, गंवार अंकल, अगर अब भी ऐश्वर्य राय आपसे शादी करना चाहे, आपकी हां होगी या ना, क्या है आपकी राय? आए, ऐश्वर्य राय, झलक पाने को ऐश्वर्य की हजारों आहें भरते हैं, झलक पाने को ऐश्वर्य की हजारों आहें भरते हैं, घर हंस कर वो कहीं देखे तो टकले कंगी करते हैं। आए ऐश्वर्य आए। मैंने कहा बेटे, तूने तो जीते जी मुझे नरक के कुंड में डुबो दिया है, गोया कुछ शेख से बुझा हुआ खंजर मेरे सीने में चुभो दिया है। काबले गौर जी, मसल मशहूर है, लोहे को लोहा ही काटेगा, अगर बुढ़ापा जवानी से टकराएगा तो धूल ही चाटेगा। मसल मशहूर है, लोहे को लोहा ही काटेगा, अगर बुढ़ापा जवानी से टकराएगा तो धूल ही चाटेगा। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां उस हसी नाचनी की मस्त जवानी को नहीं संभाल पाई। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां उस हसीन नाचनी की मस्त जवानी को नहीं संभाल पाएंगी। भला बासे फूलों से ताजा खुशबू कहां से आएगी। उसे तो वही अभिषेक ही संभालेगा, फिर इस महंगाई के जमाने में ये गंवार इश्क का रोग क्यों कर पालेगा। व्यंग लात दो लेने, वैसे भी हमारी बेगम
ऐ दो वफा की देवी है। और ऐश्वर्या फिल्मी जगत का चमकता हुआ सितारा है, अरे उम्र के लिहाज से उसे मैं अपनी बेटी मानूं, यही ख्याल हमारा है। मेरी बात सुनकर के स्टूडेंट ने आंखें झुकाई। तभी एक कोने से एक मैडम की आवाज आई, गमार भाई क्या आपकी अकल मेरे इस सवाल का जवाब दे पाएगी कि हिंदुस्तानी सास अपनी बहू को कब तक जलाएगी? मैंने कहा मैडम आने वाले सालों में बहुत जल्दी आपकी आंखें देख पाएंगी कि बहू सास बहू को नहीं बल्कि बहू सास को जलाएगी। बस उसके लिए आप थोड़ा कष्ट उठाएं, वो केंद्रीय सरकार से थोड़ी रिक्वेस्ट कराएं कि वो भ्रूण हत्या पर कोई रोक ना लगाए, फिर आप देखेंगी एक एक कुंवारी कन्या के पीछे पांच पांच कुंवारे फिरेंगे। लड़की वालों के यहां उन लड़कों के मां बाप पैरों में गिरेंगे, मिन्नतें करेंगे, पल्लू बिछाएंगे, खुशामद का मक्खन लगाएंगे। लाला कृष्ण लाल जी, पिछले जन्म में आपने जरूर पांच गौएं दान की हैं, तभी तो माता रानी ने आपको पांच बेटियां दी हैं। एक से एक लंबी ऊंची सुंदर पढ़ी लिखी सयानी जैसे इनको जन्म देने वाली हो खुदा माता रानी। हा बस आप हम पर इतना एहसान फरमाएं कि इनमें से कोई भी बेटी हमारे घर की बहू रानी बनाए। हाँ हाँ, हम लड़के की एंगेजमेंट पर ही बेटी के नाम कोठी बंगला कार करवा देंगे। मैरिज से पहले पहले बेटी का 50 लाख का बीमा भरवा देंगे और संरक्षक वाले खाने में आपका नाम लिखवा देंगे। बावजूद इसके भी अगर कोई सास कुल बुलाएगी तो गारंटी के साथ कहता हूं मैडम, बेटा मां पर तेल छिड़केगा और बहू आग दिखाएगी। अगर आने वाले वक्त में आप अपनी बहुओं अगर आने वाले वक्त में आप उन बहुओं को बचाना चाहती हैं और ये पुण्य कमाना चाहती हैं तो पूरे समाज की औरतों को सुझाव सुझाएं कि वो जब अपना बेटा ब्याहें तो बहू बिना दहेज के लाएं, घर में वो सास नहीं मां बनकर रहे। मत मारो किसी बहू के पेट में बेटी, इससे ज्यादा आपको क्या कहें। मैं कला मंच का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस नाचीज को यहाँ बुलाया, मैंने जो व्यंग लिखा वो आपको सुनाया, आप सबका शुक्रगुजार हूँ।